ये जो माफिया पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे, आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी कि अब वहां पर कोई कमरा नहीं मिल पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।